Yes. Okay, we are all, well, I'm back with you on this lovely Sunday afternoon. And as you join me, I will be mutually blessed, and there's a great testimony for you guys to hear too. मैं आपका स्वागत करता हूं और जैसे जैसे मैं आपको वचन बताऊंगा आप और मैं दोनों आशीषित होंगे. शुरुआत करने से पहले हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन गवाही है जो अब ये देने वाले हैं. This boy had a tumor in his neck में ट्यूमर था. कहां? यहां था. ये मैंने कभी प्रे किया था एक हफ्ता पहले संडे को. दो हफ्ता पहले. ये देखिए यहां इसके ट्यूमर था. इतना बड़ा ट्यूमर था सवा इंच का और वो बढ़ता जा रहा था. तो दो वीक पहले मैंने प्रार्थना करी और वो ट्यूमर चला गया. ये देखिए बोलिए बताइए. ये ट्यूमर इतना बड़ा था जो मैं और मेरी वाइफ एक साल पहले हम लोग बात भी कर रहे थे क्या है. और थोड़ा थोड़ा पहले छोटा था फिर बढ़ रहा था तो मैं बोला होगा कुछ. लेकिन हम लोग को नहीं मालूम क्या था लेकिन प्रभु को मालूम था. हम लोग आ रहे थे प्रार्थना में. किसी ने बताया हमें यहाँ आने के लिए तो हम लोग आए प्रार्थना में. और ये प्रभु के दास हैं इनको वचन आया कि किसी का ट्यूमर जा रहा है. तो शाम के टाइम घर जाके देख रहे तो मेरे बेटे का इधर जो गार्ड था वो पूरी तरह से गायब हो गया. जिनको फिट्स आते हैं फिट सील होंगे. तो क्या हुआ आपकी बच्ची लड़की? इनको भविष्यवाणी में भविष्यवाणी किए थे कि 18 भविष्यवाणियां हुई थी. उसमें हुआ था कि फिट आएगा मिर्गी. तो मेरे बेटे को उस टाइम डेंगू हुआ तो मुझे पता भी नहीं था. बुखार अचानक दोपहर में चढ़ा और बुखार चढ़ा तो दिमाग में चढ़ गया और उसी टाइम फिट आ गया. और आग पलटी कर लिया. मुंह से गाल निकलने लगा. बेहोश हो गया और हाथ पैर पूरा अकड़ गया. क्या हो गया था कोई बच्चे ये बच्चा बचेगा नहीं. पूरा मोहल्ले वाले घेर लिए. मेरी औरत चिल्ला रही थी पागल हो गई थी एकदम से. एकदम बावला हो गई थी कि बचेगा ही नहीं. और उसी टाइम मैं आया था प्रार्थना में. इनको बोला कि प्रभु के दास को परमजीत सिंह को कि ये लोग आप फोन प्रार्थना कर दीजिए मेरे बेटे को कुछ ज्यादा परेशानी है. और मेरा बेटा बेहोश था उस टाइम. और उन्होंने प्रार्थना किया. 10 मिनट के बाद मेरे बेटे को एकदम होश आ गया और हॉस्पिटल लेके गए. डॉक्टर ने बुखार का दवा खिला दिया और उसका बुखार भी उतर गया. उसी टाइम हॉस्पिटल में आधे घंटे के अंदर वो खेलने कूदने लगा. और नया जीवन दिया प्रभु ने. कोई नहीं. जब हम लोग वापस लौट के जा रहे गए घर पे तो पूरा मोहल्ले वाले बहुत कुछ बोल रहे थे कि उधर जा रहे हैं तो ये हो गया वो हो गया कुछ नहीं होता है उधर जाने से प्रार्थना में. लेकिन जब लौट के वापस गए तो कोई हमसे पूछा नहीं क्या हुआ. आपस में कुछ बताने लगे तो इसका बच्चा बच गया. सब कुछ होता है. यस लहू जब होता है का भी क्या है ना. ये और क्या क्या अगले संडे यही है बस. माइक ऐसी चीज है चिपक जाते हैं. केरला में तो मिलिट्री बुलानी पड़ती. तो मैंने आपसे एक बात कही कि भैया कई तरह की चीजें होती हैं, गिफ्ट्स होती हैं. हीलिंग की गिफ्ट होती है. देयर इज गिफ्ट ऑफ हीलिंग. देयर इज गिफ्ट ऑफ विजडम. द वर्ड ऑफ नॉलेज. देयर इज गिफ्ट्स. आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं. मैं अपनी वाइफ को परफ्यूम दे सकता हूं. वो मुझे शर्ट ला सकती है. गिफ्ट तरह तरह की होती है. बट वन थिंग इज कॉमन इन अ गिफ्ट. इट इज फ्री. और जैसा मैं कई बार आपसे कहता हूँ कि जो उपहार होते हैं आशीषें होती हैं वो कई तरह की होती हैं. आपको हो सकता है ज्ञान का शब्द है. आप किसी की सेहत के लिए प्रार्थना कर सकते हैं. हो सकता है आप उसको चंगाई का आपको उपहार मिला हो. मैं भी जैसी बीवी को बहुत सारे उपहार दे सकता हूँ. तो ये सब अलग अलग तरह के उपहार है. लेकिन इन सब में जो एक सामान्य बात है वह यह है कि हर जो ये आशीष और ये जो उपहार है ये सब आपको मुफ्त में मिलते हैं. कभी कोई हिंदी बोलो तो जुगलबंदी कर लेंगे टाइम बचाने के लिए. अभी देखिए जी जितना इम्पोर्टेंट गिफ्ट देना होता है. देखिए एक जो दुनियादारी में गिफ्ट दी जाती है तो कई बार उसका एक्सपेक्टेशन रहता है.
जब लड़का लड़की को गिफ्ट देता है तो शायद उसका कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है। जब आप अपने बॉस को गिफ्ट देते हैं तो शायद प्रमोशन का एक्सपेक्टेशन रहता है कि नहीं? जब आप अपनी बीवी को गिफ्ट देते हैं तो हर चीज का रिस्क कम होता है। तो इस तरह से गिफ्ट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मेरी बीवी बोलती है दो डीओ ले आओ तो मैं चार ले आता हूं। चावला जोशी जी, नितेश जोशी जी कहां हैं आप? अमन मसीह जी, नितिन भट्टी जी, आई लव यू टू, जैसे आपने मुझे बोला आई लव यू। नितिन बंजाल जी, अमन मसीह जी, रीटा खोसला जी, दो बार प्लीज गिव मी योर कॉन्टैक्ट नंबर। आप पहले मुझे मैसेज कीजिए रीटा जी, किसी को भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो मुझे आप इनबॉक्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे बताइए किस वजह से चाहिए नंबर। समझ, सिंपल सी बात है। शरीन मानव, बहादुर सिंह जी, गीता धनानी जी, मानव जी, बहादुर सिंह जी, हालेलुया, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ, जुड़ते रहिए। तो आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जब प्रभु आपको कोई गिफ्ट देता है प्रभु की भी एक्सपेक्टेशन होती है। When God gives you a gift, He also expects something from you. Like, for example, I tell you, somebody here comes to me and says, this is the keys to a bungalow, this is yours, Pastor. I hope this happens. apartment mein nahi rehne wala hu. These are the keys to your bungalow and this is yours forever, your children's. Now he's handed me the keys. I accepted the gifts. His responsibility ends, mine starts. I have to look after the bungalow. जब परमेश्वर आपको कोई उपहार देते हैं तो उनकी आपसे कुछ अपेक्षाएं होती हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे यहाँ पर कोई इंसान है, वो मुझे चाबियां दे और कहे कि पास्टर ये आपके नए बंगले की चाबियां हैं जो अब हमेशा के लिए आपका है, और वो मुझे देकर चला जाए, तो वहां पर उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, लेकिन अब यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी शुरू होगी। चिल्ड्रन आर अ गिफ्ट ऑफ गॉड, बच्चे परमेश्वर का उपहार है। पर जब बच्चा पैदा होता है कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चल बेटा जा बाथरूम नहा ले, चल बेटा अभी पढ़ ले, इंटरनेट पे जाके ग्रेजुएट हो जा, ऐसे नहीं होता है। यू अब की बचाए, अभी ये है इतना सुंदर बच्चा है लेकिन एक प्रॉब्लम है ना, तो यू आर लिविंग विद दैट प्रॉब्लम, द होल फैमिली इज लिविंग विद द प्रॉब्लम, पूरा परिवार उस चीज के साथ रह रहा है। जैसे हमारे को गिफ्ट देना आना चाहिए वैसे हमें गिफ्ट रिसीव करना आना चाहिए। एज इंपॉर्टेंट एज इट इज टू बी एबल टू गिव अ गिफ्ट, इट इज एज इंपॉर्टेंट टू रिसीव अ गिफ्ट विद ग्रेस। और जितना महत्वपूर्ण होता है किसी को कोई उपहार देना, उतना ही महत्वपूर्ण होता है कि जब आपको उपहार मिले तो आप उसको कैसे बहुत ही नम्रता और अच्छाई के साथ ग्रहण करते हैं। If I tell you, तो कितने लोगों को गिफ्ट मिलना पसंद है इस दुनिया में, हाथ उठाइए। आपको कुछ लोग नहीं उठाए, कुछ लोग सोच रहे हैं उठाए कि ना, इतने चुन्नी के अंदर आप गिरो। अभी देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें गिफ्ट नहीं चाहिए, कितनी अजीब बात। आई लव गिफ्ट सर, कलोन्स दीजिए, आई लव कलोन्स, जींस दीजिए, बड़ी खुशी से एक्सेप्ट करूंगा। कुछ लोग सोचते हैं हंसा में बोलो खाना खा लो तो नहीं खाए, नहीं चाहिए, मेरे घर में बहुत है। अरे सबके घर में बहुत है, लेकिन
गिफ्ट रिसीव कर दिए आने चाहिए विद ग्रेशियसनेस, एक ग्रेस के साथ, एक 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 स्माइल के साथ आप गिफ्ट रिसीव करेंगे तो वो गिफ्ट मल्टीप्लाई होगी। आपके बर्थडे में कोई आपको गिफ्ट देता है, मल्टीप्लाई कैसी होती है गिफ्ट? आपको गिफ्ट देता है किसी ने, आपको बहुत अच्छी शर्ट दी, रख दे, अगले आप बर्थडे कहेगा बाहर हो जा, है कि नहीं? But you receive it with grace and say thank you, give a hug, and you know, you go on with life, you remember. उसी तरह से जब प्रभु गिफ्ट देता है, जब प्रभु गिफ्ट देता है तो हमारे को ग्रेस के साथ, उम्मीद के साथ, खुशी के साथ और उस गिफ्ट को ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस गिफ्ट को रिसीव करना चाहिए। Let's open our Bibles. आप मुझे रोज देखती हैं रीता खोसला जी, how nice is that? मोबाइल में देखती हैं, चलिए बड़ी अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी वेरी गुड। हाउ मेनी पीपल डू जॉब्स एंड डू बिजनेसेस? अभी बात करते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा सा डायरेक्शन बदलेगा। ढोकड़ा किसको चाहिए? रौनक को तो चाहिए। Everybody wants money. Lift your hand if you want money. बढ़िया लगता है ना, 500 की इतनी मोटी गड्डी करो। I like her. So, everybody likes money. Everybody's smiling. If I say, I pray on the life for you to become a crorepati, to yahan pe bawal ho jayega. Facebook life mein. But I only say that when I mean to, but I'm teaching you what business. To meri bachi padhegi Proverbs 10:4. नीति वचन उसका 10वां अध्याय उसकी 4वीं आयत। Yes, Hitesh, you will get money very soon and lots of it. जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। मैं छोटे शहर का हूँ, वहीं बड़ा हुआ, सहारनपुर में छोटा सा शहर है, 15 मिनट में एक एंड से दूसरे एंड तक खत्म। तो वहां पे सब लोग ऐसे नहीं, अभी कल्चर बदल गया होगा, चले आप वो काम कर लेते हैं जो हमने बोला था करते हैं। अरे बैठ जाना है यार, मम्मी चाय बना लो। तो सुन यार, आज बारिश होने वाली है, कल करते हैं। अरे बारिश होने वाली, कार में जाना है, कार में आना है, कोई तेरे को कौन, मैं तो निकल में ले जा रहा हूं। लेकिन दे आर सो गुड एट प्रोकास्टिनेटिंग। सहारनपुर में अधिकतर लोग बहुत ही ज्यादा, सहारनपुर वाले मेरे पीछे पड़ रहे, छोटे शहर, छोटे शहरों में अधिकतर लोगों की ये आदत होती है कि वो अपने काम को टालने में बहुत माहिर होते हैं। इतना छोटा शहर है, चलो भी बल्ले को मिल के आते हैं, तो 8-10 लोग अपनी मोटरसाइकिल उठा के बल्ले के घर पहुंचते हैं, बल्ला उनके घर गया होगा। तो मैं उनको पूछा फोन क्यों नहीं किया कि घर पे है कि नहीं, यार टाइम पास कैसे होगा, आने जाने नहीं होगा। काम भी करते हैं, बट वेरी हार्ड वर्किंग पीपल आल्सो, बट यू नो डिस्टेंसेस आर सो शॉर्ट, दे थिंक इट्स नॉट दैट, जब तक वो बिजी है, फोन आउट ऑफ हुआ है, तो वो पहुंच जाते हैं वहां। तो व्हेन यू कैन डू समथिंग टुडे, डू इट टुडे, अनलेस इट इज एंगर, देन डू इट टुमारो। If you are angry, don't do it today. If you are very sad, don't do it today. If you are very happy, don't do it today.
इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप कोई कार्य आज कर सकते हैं तो उसको आज के आज ही कर दें, जब तक कि आपके अंदर कोई क्रोध ना हो तब वह काम आप टाल दें, आप उसको कल करें। अगर आप किसी चीज के लिए गुस्सा है तो वह काम आप आज ना करें, और अगर आपके अंदर कोई दुख है तो वह काम आप आज ना करें। एक रात सोने से बड़ा कुछ हो जाता है, सुबह एक नया दिन होता है। अभी मैंने कितने लोगों, मतलब एक तो मैं डिवोर्स रुका है बिकॉज आई सेड टुडे डोंट कॉल टू अ पर्सन, नहीं तो 100% कोर्ट केस था और डिवोर्स केस था। झगड़े रुके हैं, मार दूंगा उसने से, कैसे बोल दिया, मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। मैंने कहा कल बोल, मैं मना नहीं करता हूं कि मत बोल, वो तो कल डबल तैयारी करना, कितनी मोटी मोटी सोची हुई है तूने से बोलने के लिए, वो लिख जाके उनको डबल कर। दूसरे दिन तक आदमी कहता है यार मेरे और इतने लफड़े हैं, एक लफड़े में और की बड़ू, छोड़ो यार, है कि नहीं? उसको भी समझ आ जाती है, वो भी फोन कर देता है, बोलता है यार सॉरी यार मैंने तेरे को जो बोला। एक दिन में बड़ा कुछ हो जाता है। लेकिन अगर आपको होली स्पिरिट आज बोल रहे हैं कि वो काम करो, तो उस काम को आप अवश्य तभी करो। मोस्टली नए लोगों ने कहानी नहीं सुनी मेरी, पास्टर्स के बाद बहुत किस्से होते हैं जो सच्चे होते हैं। रात भर बैठे हो कुछ ना कुछ याद आता रहता है पास्टरों को, और बोलते रहते हैं क्योंकि दे मीट सो मेनी पीपल फॉर द सिंपल रीजन। मैं पार्क में सैर करता था, वहां पे एक 89 ईयर्स के आदमी आते थे। नायर से ऊंची जात कौन सी होती है? मेनन। भाई नायर साहब ने ऐसा बोला कि अगर नायर दुबई गया तो मेनन हो जाता है, और अमेरिका चला गया तो है क्या एक और है ना है नपुदी नंबूदरी हो जाता है, तो बोलो ना। तो मैं नीचे जाता था वहां सैर करने, तो ये 89 इयर्स का आदमी, हम चल रहे होते थे वो भाग रहा था, बड़ा गुस्सा आता था देख के, और हमने सेकंड राउंड मारने तो फिर आगे निकल गया। तो मैंने उनको एक दिन ऐसे ही पूछा प्यार से, मैं भी थोड़ा आई एम इंटरेस्टेड इन पीपल, साउथ इंडियन थे तो मल्लू मलयाली और नहीं मलयाली भी, तो मैंने कहा सर आप जब घूमते हैं तो आफ्टर एवरी 10 गर्ल्स वन मैन यू से हाई टू, यू वेरी नॉटी बॉय। मैंने कहा बॉय तो शुक्र है किसी ने बॉय तो बोला, अभी तो सारे अंकल ही बोलते हैं। तो उनसे दोस्ती हो गई। ही वाज एन एयरक्राफ्ट डिजाइनर, आज भी अगर वो एक दिन काम लेते थे तो 35,000 रुपया उनको मिलता था एक दिन का, 35,000 रुपीज अबाउट 10 इयर्स अगो 8 इयर्स अगो विच इज नॉट बैड एट द एज ऑफ 90। तो उनका 90th बर्थडे आने वाला था, मेरे को क्रूसेड पे जाना था शायद यूपी, तो मैं घूम के गया, और जैसे गुस्सा अंदर अंदर ने बोला वो मिले थे क्या अंदर, मैंने क्यों पूछ रहा, अंगद इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन पीपल। तो मैं अंदर गया तो मेरे को होली स्पिरिट ने बोला नीचे जाके मेनन साहब को गॉस्पल, और उससे पहले मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था आई एम अ वेरी जेंटलमैनली एथिस्ट, नो आर्ग्यूमेंट, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं करता। तो मैंने कहा सर मैं जा रहा हूं एक हफ्ते के लिए होली स्पिरिट, 10 दिन के बाद मैं वापस आऊंगा, अंकल शेयर कर रहे होंगे। होली स्पिरिट टोल्ड मी ही हैज हैड सेंस ऑफ ह्यूमर, कहते हैं अगर मेनन साहब टपक गए तो, एक्चुअली टोल्ड मी, मैंने कहा वेरी वायबली इट कुड हैपन एट 90 यू नो एंड 10 डेज टाइम एवरीथिंग कैन हैपन। तो मैं नीचे गया रनिंग, आई स्टार्टेड टू रन विद, एंड अभी इंग्लिश में बोलूंगा तो मेहनत साहब अंग्रेजी बोलते हैं सिर्फ। मेहनत साहब को बोला सर यू डोंट बिलीव इन गॉड, मैंने मेहनत साहब से कहा कि आप परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। He said no. उसने कहा नहीं। I said are you 100% sure that there is no God? फिर मैंने कहा कि क्या आप 100% आपको पूरी पता है कि परमेश्वर नहीं है? कहता हु कैन से 100% के नहीं है,
कोई नहीं बोल सकता 100% है या नहीं है, मैं मानता हूं नहीं है। मैंने कहा सर अगर 1% चांस हुआ कि है तो सर जब आप अगर 1% चांस है कि गॉड है तो सर ये इटर्निटी आपकी बड़ी प्रॉब्लम में हो जाएगी सर, वहां पे पता नहीं पार्क है नहीं है हेल के अंदर, समझ नहीं आती। तो कहता वो दैट ऑर्डर इवन दैट रिमेन्स। तो मैंने कहा सर सो व्हाई विल यू मेक अ प्रेयर विद मी, कहते ओके होली मैन आई मेक इट। तो मैंने शुरू किया कि आप मानते हैं 2000 साल पहले, बोलिए 2000 साल पहले प्रभु ने हमारे लिए जान दी, तीसरे दिन जिंदा हुआ, प्रभु यीशु हमारे पाप माफ करता है और प्रभु यीशु अपनी रूह द्वारा नया जीवन था और गेट पास आ गया, मैं गेट से बाहर चला गया और यूपी चला गया शांति से। I'm telling you, every day I would have been uncomfortable in that UP crusade. It would have hindered my crusade in the nights in the hotel room. Is he alive? I didn't have his mobile number. So, यहाँ पे ये बोल रहा है कि lazy hands make for poverty, but diligent hands bring wealth. तो अगर आपको करोड़पति होना है क्या? अगर आपको करोड़पति होने के है तो ऐसे ऐसे हाथ मत घुमाइए, कुछ काम कीजिए, समझ रहे हैं? नाच में घुमाइए अभी आ रहा है अभी, लेकिन यू हैव टू यूज हैंड्स मीनिंग योर माइंड, यूज योर डेज कंस्ट्रक्टिवली, हैव अ स्ट्रक्चर टू अ डे एंड यूज इट प्रॉफिटेबली। ठीक है, अभी कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट देता हूं मैं। Proverbs 23:4. नीति वचन उसका 23वां अध्याय उसकी 4वीं आयत। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। You know, I was not a rich kid, but I grew up with a lot of rich kids. बहुत सारे अमीर बच्चों के साथ। और अभी काम करता था, जब मैं सेक्युलर वर्ल्ड में काम करता था तो मेरे आसपास सारे ही बिगड़ी हुई औलादें थी अमीरों की, और सबसे ज्यादा वो जो हेट करते थे अपने पिता को हेट करते थे। सब कुछ दिया, ताज में परमानेंट स्वीट बुक रहता था उनका, लेकिन टाइम नहीं दिया। इस प्रोवर्ब का ये मतलब है इतना ना पीछे पड़ जाओ कि अपने बच्चों को गवा दो, अपनी बीवी को गवा दो। You know, women like to talk a lot. So, they'll tell, Moni will tell me what's going on, ministry. When a guy told me that, I said, no, your men are dumb, so I have to tell it again and again. तो ऐसा भी काम में मसरूफ ना हो जाइए कि आप अपने बच्चों को भूल जाएं, आप अपनी कोई हॉबी को भूल जाएं। आप सडनली रियलाइज करेंगे बुढ़ापा आ गया, पैसा तो बहुत है यार, पर कुछ कुछ इंजॉय नहीं किया, कुछ अपने बच्चों को बड़े होते हुए नहीं देखा। यू अंडरस्टैंड, स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स वन कैन इमेजिन। इन माय डेफिनेशन, वेल्थ इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ डूइंग समथिंग यू लव टू डू। मेरी परिभाषा में जो धन संपत्ति होती है वह उससे निकलती है, उस कार्य से जिसको करने में आपको प्रसन्नता का अनुभव होता है। इसलिए मैं मीनू जी को बोलता हूं कि किसी को साउंड इंजीनियरिंग करनी है तो करने दीजिए, है नहीं मीनू जी? आप साउंड इंजीनियर को आप अकाउंटेंट बनाना चाहेंगे तो वो फिर बोलेगा शॉर्टकट मनी, रोकड़ा मंगता ही अच लपड़ा बड़ा लपड़ा। ये दिखाइएगा पार्ट मीनू जी को। सो समथिंग यू लव डूइंग इट डज नॉट रिमेन वर्क एनी मोर। जिस चीज को करने में आप खुश होते हैं, आपको प्रसन्नता का अनुभव होता है, वह आपको कभी भी कार्य नहीं लगेगा। जैसे मुझे बीवी की सेवा
नितेश ऐसा नहीं, मेरे को फॉरवर्ड भेजता है, मैं उसको भेजता हूं, बीवियों को भी भेजते हैं। तो समथिंग यू लव डूइंग बिकम्स स्टॉप्स बीइंग अ चोर एंड इट बिकम्स फन। अब सम पीपल हेट ट्रैवलिंग, some people would rather go by plane and it cuts a lot of time and stuff. But if I could, I would go everywhere by road. Because if you know, want to know your country, travel by road. कई लोग होते हैं जिन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद नहीं होता, वो प्लेन से जाना चाहेंगे ताकि हवाई जहाज से, ताकि उनका समय बच जाए। पर मैं आपको कहूंगा कि अगर मुझे समय मिले और मुझे करना हो तो मैं हर जगह रोड के द्वारा जाना चाहूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अपने देश को बेहतर जानना चाहते हैं तो आपको रोड से सफर जरूर करना चाहिए। पहली बात मैं बोली, आइडल मत बैठिए, जो कर सकते हैं आज करिए, लेकिन गुस्से में मत करिए, एंग्रीली मत करिए, हैप्पीली मत करिए। बहुत खुश है आज, ओहो दूसरी शादी करेगा, हाँ करूंगा, पता चला इतना खुश है, नितेश करेगा दूसरी शादी नहीं। तो बहुत खुशी में भी गलतियां होती हैं, जब आप संतुलन में हैं और होली स्पिरिट क्वाइट है अंदर से, शांत है अंदर से, तब करिए वो काम, होएगा ही होएगा, होएगा ही होएगा। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोवर्ब्स 24, से जो मेरे को क्रूसेड में बुलाते हैं, दे चूज द टाइमिंग, वो बड़ी सेंसिबल चीज है जो मैं बोलता हूं, क्योंकि उनको पता है उनके शहर में छुट्टियां कब है, उनको पता है हॉलीडेज कब है, उनको पता है कितने बजे लोग छोड़ते हैं वहां से। मैं तो मुंबई में रहता हूं तो मैं डेट चेंज कर सकता हूं इधर से तो थोड़ी, लेकिन मैं मंथ चेंज नहीं करता, क्योंकि उनको टाइमिंग मेरे से ज्यादा पता है कि ज्यादा से ज्यादा रूहें कब बच सकती हैं, पास्टर्स कब फ्री हैं, मीटिंग्स में गैप होना चाहिए। कई जगह इतनी मीटिंग्स कंपटीशन में हो रही है कि लोग आके सो जाते हैं। हंसो हंसो, सही बोल रहा हूं, वो आके सो जाते हैं। इधर मेथोडिस्ट चर्च में गया मैं प्रीच करने, यहां बंबई में जब मैं पहुंचा तो 40 ओल्ड पीपल ऑल स्नोरिंग इन द बैक। तो मैंने कहा व्हाट इज दिस, कहते ना एवरी संडे दे कम एंड स्लीप, देयर वाइफ्स वेक देम अप, किक देम आउट ऑफ द हाउस एंड दे कम एंड स्लीप। मैंने कहा जगाओ यार उनको, देयर द पास्टर्स वाइफ गॉट हील्ड ऑफ अ ट्यूमर इन द मेथोडिस्ट चर्च। हां जी बढ़िया। नीति वचन उसका 20वां अध्याय उसकी 4वीं आयत, आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। Because there is a time to sow and there is a time to reap. You sow when the land is not ready to be sowed in, you will reap zero harvest. क्योंकि बुआई और कटनी का अपना एक निर्धारित समय होता है, अगर आप उस समय बुआई कर रहे हैं जब वो धरती तैयारी नहीं है तो फिर आप कभी उसकी फसल को काट भी नहीं सकते हैं। तभी मैं बोलता हूं आजकल इस सीजन में मेरा फेवरेट कोट है, मेरा नहीं है किसी और का है, डू नॉट प्लेस द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मेरा एक बहुत ही मेरा बहुत पसंदीदा कथन है कि कभी भी जो गाड़ी होती है उसको घोड़े के आगे नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग आगे ही लगाते रहते सारी दिल्ली के, और वो सोचते हर बार काम फेल क्यों होता है, तो हर बार 10 माले से कूदेगा तो टांग ही टूटेगी ना, है कि नहीं? सो यू प्रे एंड यू बी डिलिजेंट, एंड दिस जनरेशन, व्हाट आई लाइक अबाउट दिस जनरेशन इज रिसर्च।
Because there is so much information. Everything can be researched and do. मुझे इस पीढ़ी की जो सबसे ज्यादा बात पसंद है यह कि वो बहुत सारा ज्ञान अर्जित करने में लगे रहते हैं और फिर उसके अनुसार वो कोई कार्य करते हैं। पर यहां मैं थोड़ा सा कॉशन आपको दूंगा, मेडिसिन को ज्यादा रिसर्च मत करिए। वृंदा जी जो अग्री, वृंदा जी को फोन करिए जब वो बोलती है जिस टाइम में बहुत बिजी हूं, क्योंकि वहां पे एक वो आएगा, इन सम केसेस इट कैन कॉज पैरालिसिस। अभी कितने अ मिलियन पीपल दे हैव डन, वन इन मिलियन गॉट अ फिट। आप सोचेंगे हमारे भी लग जाएंगे, अगर डॉक्टर बोल रहा है आपको, वृद्धा बोल रही है कि खा लो, इट इज सेफ, अ वर्ड ऑफ कॉशन। रिकग्नाइज अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। आप अपने समय पर ध्यान देते रहिए और तभी हथौड़ा मारिए जब लोहा गर्म हो। आई एम नॉट सेइंग आई एम लाइक दिस, बट वन ऑफ माय फेवरेट वर्सेस अबाउट वर्क इज दिस, कोलोसियंस 3:23-24। विजेंद्र शुक्ला जी, खातून नकारा जी, दीपा हकानी जी, हितेश धरानी जी, कैसे हैं? आपको फोन करता हूं मैं जल्द। हितेश, राकेश विश्वकर्मा जी, सुनंदा नायर जी, सौरभ चंद्र जी, राकेश जी, सोफिया खान जी, सुनंदा जी, हितेश जी, सोफिया जी, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। बड़े छिटीटा खोसला जी, जी पढ़ूंगा बाद में आपने क्या लिखा है। नेल्सन राहुल जी, कुलिसियों की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय उसकी 23वीं और 24वीं आयत, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। Whatever you do, do it heartily, with full vigor. Half, don't do anything half. Half things don't work. Enthusiasm, research, expecting victory and rogda, both. आप जो भी करें उसको आप जो है पूरे मन से करें, आधे मन से ना करिए, कुछ मत करिए आधे मन से, पूरे मन से करिए, तो वो काम जरूर सक्सेसफुल होगा। क्योंकि गिफ्ट भी प्रभु आपको देता है, उसको पूरे मन से इस्तेमाल कीजिए। कुछ लोग मर जाते हैं छुपाते छुपाते जो उनको आता है, कि किसी और को ना सिखा जाए, बड़े लोग ऐसे गलत सिखा देते। अरे सिखाओ यार, जितना आता है सिखाओ। मत्ती की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसकी 12वीं आयत, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्य वक्ताओं की शिक्षा यही है। मेरा सुखी रहने का सबसे बड़ा मुद्दा ये है, आई ट्रीट अदर्स लाइक आई वॉन्ट टू बी ट्रीटेड, आई नेचुरली डू इट, वेदर इट इज अ रिक्शा वाला, whether it is a pan wala, whether it is Rakesh not leaving the mic, whether it is, only person I treat more than myself is the wife. But treating others the way you want to be treated makes a very harmonious and anointed atmosphere.
और मेरी सुखी रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं जैसा चाहता हूँ कि मेरे साथ व्यवहार किया जाए, मैं दूसरों के साथ भी वही व्यवहार करता हूँ, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो। क्योंकि इससे अगर आप ऐसा करते हैं, दूसरों के साथ वैसा ही करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए, तो इससे बहुत ही प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण होता है। यारी रोड में जो बनिया हमारे को सप्लाई करता था, अभी मैं वेडनेसडे को वहां जाता हूं तो कुछ मतलब बॉम्बे में सुना नहीं, सर आओ बैठो कुर्सी ला रहे, ओनली बिकॉज आई हैव नॉट गिवन हिम एनीथिंग बट ओनली बिकॉज आई स्पोक स्वीटली टू देम एंड गिव देम सम एडवाइस और यू नो टिडबिट्स, ही ओपन थम्स अप, ही मेक मी ड्रिंक इट, आई सेड हाफ ग्लास दे दे, व्हाई I may go there after a year because I spoke well with them. और यारी रोड में एक मेरा गिराने वाला है जो जब मैं जाता हूँ तो मेरे लिए कुर्सी लगा देगा, मुझे बैठने का आग्रह करेगा, मेरे लिए कोई कोल्ड ड्रिंक लेकर आएगा, मुझे पीने के लिए कहेगा। क्यों? ऐसा नहीं कि मैंने उसको कुछ दिया हुआ है, नहीं, बस इसलिए क्योंकि मैं उसके साथ बहुत प्रेम पूर्वक बातें करता हूँ। और अगर मैं एक साल के बाद भी वहां जा रहा हूँ तो भी वो मेरे साथ ऐसा स्नेह भरा व्यवहार ही करता है। तो ये चीजें आप छोड़ के जाएंगे when people remember you, और क्या है, बनावटी तरीके से नहीं करता आदमी, नेचुरली करता है, जब वचन समझता है प्रभु तो बनावटी तरीके से नहीं करता। कई लोग पंजाब में तो हेलो ची चपाती खाओ, थोड़े चे खूल ले यार, सबकी तोंदे हाँ हाँ यूं नहीं, थोड़ा जी हो रही है लाके शर्मा जी जी हालत खराब हुई है, थोड़ा जी हो रही है, थोड़ा ऐसी नहीं, कुछ और खाइए, अच्छा नहीं हो गया ठीक है खत्म हुई बात। व्हाट आई से इज दैट थोड़ा जी होर कर करके पता चला कि ब्लड प्रेशर हो गया है, बीमारियां हो रही है, ब्लॉक हो गई, थोड़ा जी हो रही है। शर्मा जी का भी स्टमक का साइज इतना बड़ा हो गया है कि जब तक वो चारों कोने वो भरता नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं आती। ट्रू, दैट इज व्हाई इट इज सेड हैव 4-5 मील्स अ डे बिकॉज योर स्टमक साइज हैज टू रिड्यूस बिफोर योर स्टमक रिड्यूसेस। व्हेन इट इज सच अ बिग रूम, मोर फर्नीचर इज नीडेड, नो, तो दो जलेबियां और दो चपातियां और, क्योंकि जब तक वो रूम भरेगा नहीं आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। यार कम खाता तो गैस हो जाती है, डाइजीन खाई यार, एक्चुअली हो जाती है बिकॉज इट टेक्स टाइम टू रिड्यूस, एक्चुअली इट इज इट कैन रिड्यूस एंड एक्सपैंड द स्टमक, सो इफ यू रिड्यूस इट यू नीड लेस। सो वॉट एवर यू विश that others would do to you also do to them, for this is the law of the prophets. Ye santo ka law hai, priests of God, prophets ka, bhavishyavani karne wala, treating others like you want to be treated. Boliye main dusron ke sath waisa vyavhar karunga जैसे मैं चाहता हूं दूसरे मेरे साथ करें। आमीन। प्रोवर्ब्स 4:7 नीति वचन उसका चौथा अध्याय उसकी सातवीं आयत, बुद्धि श्रेष्ठ है इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर, जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। The beginning of wisdom is this, get wisdom and whatever you get, get insight. एक फिल्मी आदमी मेरे पास आता तो सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, और मैं जो काम देखता था पूरा 1960 में अटका हुआ था, रियली 1960 70
हीरोइन कमरे में बंद हो गई है, भाई ने ताला लगा दिया है बाहर, वो छुरी ढूंढ रही है, बाहर मजनू गाना आ रहा है, कितनी बार देख हुए इसे। तुम मुझसे शादी करोगे, मेरे पापा से बात करो, वही लाइन रिपीट हो गई, शादी पापा ने करनी। So you have to change, you have to keep reinventing, you have to keep doing things in a new way. इसलिए आपको हमेशा नए नए उपाय और रास्ते खोजने चाहिए किसी भी चीज को करने के लिए। आप बार बार एक ही चीज को दोहरा नहीं सकते। मेरा मोबाइल मुझे बोलता रहता है अपडेट अवेलेबल, अपडेट अवेलेबल, अपडेट अवेलेबल। पहले मैं इरिटेट होता था, पर मैंने देखा हर अपडेट इज बेटर देन द लास्ट। इट बिकम्स इजियर फॉर मी, आई एम फास्टर, आई एम वेरी फास्ट। तो थक थक थक। तो इफ फेसबुक नीड्स टू रीइन्वेंट इटसेल्फ ट्वाइस अ वीक, सो डू वी। पहले जब मेरे मोबाइल में हमेशा आता था कि अपडेट कर लें, अपडेट कर लें, तो मैं कई बार चिढ़ जाता था, लेकिन फिर बाद में मुझे समझ में आया कि ये काफी बात, अपडेट करने से चीजों को काफी आसान बना देता है, काफी बहुत ही आराम से चीजें हो जाती है। अगर फेसबुक को भी कम से कम हफ्ते में दो बार फिर से सही और नया करने की आवश्यकता पड़ती है, तो हमारे कार्यों को क्यों नहीं। प्रोवर्ब्स 14:23 और प्रोवर्ब्स की किताब पढ़े। मैंने ब्यूटीफुल बाइबल प्लान डाउनलोड किया है, आप भी वही बाइबल प्लान डाउनलोड करें, अंगद आएगा अभी, ही नोज, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बाइबल प्लान रीडिंग takes for 20 minutes, 25 minutes at the most, preferably. And you get such a nice package, it's a Holy Spirit anointed yearly read. नीति वचन उसका 14वां अध्याय उसकी 23वीं आयत, परिश्रम से सदा लाभ होता है परंतु बकवाद करने से केवल घटती होती है। दो तरह के लोग होते हैं, एक कंप्लेन करते हैं, काम करते हैं। पूरी दुनिया में दो तरह के लोग, कंप्लेनर्स एंड डूअर्स। कंप्लेनर्स मेक वेरी फ्यू मिस्टेक्स बिकॉज दे डू वेरी फ्यू थिंग्स, एंड डूअर्स मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, बट 5 years पास बाय द कंप्लेनर इज स्टिल कंप्लेनिंग एंड वर्किंग एज अ क्लर्क इन द डूअर्स कंपनी। इस दुनिया में, इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ शिकायत करते रहते हैं और एक दूसरे जो होते हैं वो करने वाले होते हैं। जो शिकायत करते हैं वो बहुत कम गलतियां करते हैं, क्यों? क्योंकि वो काम भी बहुत कम ही करते हैं। दूसरी तरफ जो कार्य करने वाले परिश्रमी लोग होते हैं वो बहुत सारी गलतियां तो करते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हो सकता है 5 वर्षों बाद जो हमेशा शिकायत करता है वह उसी जगह पर रह जाएगा, पर जो परिश्रम कर रहा है, जो कार्य करता है, वो बहुत आगे निकल जाता है। यार बहुत सारे लोग, आप सबको मैं मोहब्बत करता हूं, पर मैं पास्टर हूं, पोस्टर नहीं। प्रेज द लॉर्ड, पोस्टर जी ठीक है, अभी थोड़ा ठीक दिखता हूं, लेकिन पोस्टर PASTR, हाउ हार्ड इज दैट, हो आर एनी वे, आई लव यू स्टिल, पोस्टर जी ब्लेसेस यू। ये बच्ची ही है ना कंप्लीटली, दिस चाइल्ड सडनली मोनी पॉइंटेड दिस आउट, आई मीट सो मेनी पीपल, दिस ब्यूटीफुल, दिस ब्यूटीफुल गर्ल, आप भी उधर मुड़ गई, सडनली आप एक टेस्टिमनी और आ गई। ये मेरे पास आई थी कितना, 3 महीने पहले है ना, 6 महीने पहले। ये उनकी माँ है, ये ल्यूकेमिया था, विच इज ब्लड कैंसर, डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया है कि कैंसर फ्री है ये बच्ची। क्या नाम है? शिफा कुमारी। नाम तो मैंने रखा है, इसका नाम रखा है मैंने शिफा कुमारी। जो मैं बोल रहा हूँ सच है? बोलो सर, क्या हुआ? बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त है, यीशु मसीह के नाम से एकदम बिल्कुल ठीक है। अरे जाइए शिफा कुमारी जी, बहुत खुश हुए हम आज। ऐसी चीजें होती हैं। अच्छा मोटी तगड़ी हो गई है, चिक्की अब चूस लेता।
जैसी शिवा राकेश को मत वो बाइक ले लेगा आके Now another contradictory scripture, Mark 8:36. Not contradictory, but wisdom of God. मरकुस की पुस्तक उसका आठवां अध्याय उसकी 36वीं आयत यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? Do all work in the fear of God. सारा कार्य जो है प्रभु के भय में करिए क्योंकि आपने कितनी भी संपत्ति कमा ली है लेकिन अगर आपका सोल खो दिया है आपने तो वो संपत्ति किस काम की है? तो अगर आपको सक्सेस का फॉर्मूला चाहिए तो वो ये है कि काम ऐसे कीजिए कि प्रभु हमेशा देख रहा है। पास्टर है या नहीं है प्रभु तो देख रहा है। दूसरी बात डिलीजेंटली कीजिए, एक अच्छे टेम्परमेंट में काम कीजिए, बहुत एक्साइटेड नहीं, बहुत एंग्री नहीं, बहुत हैप्पी नहीं, बहुत गुस्से में नहीं, समझ रहे? और वो काम करिए जिसको आपको करने का मजा आता है। अभी प्रॉब्लम ये होती है, ठीक है, मुंबई में जितने लोग आए उनको सबको शाहरुख खान बनने का शौक है लेकिन वो पॉसिबल नहीं है ना, तो और चीजों में मजा ढूंढिए। यू सी, बिकॉज वहां पे प्रभु को मालूम है आप खुश नहीं रहेंगे। गॉड नोज दैट। इफ यू थिंक एवरी रिच पर्सन इज हैप्पी यू आर इन अ बिग डिल्यूजन। अगर आपको लगता है कि हर अमीर व्यक्ति बहुत खुश है तो फिर आप बहुत ही बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं। Most of them can't sleep. उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो रातों को ठीक से सो भी नहीं सकते। Most of them. अधिकतर लोग। Now, I don't sleep for 2-3 nights. बुरा हो जाता है, पैरानोया हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। टीवी के सामने बैठे कहीं पिक्चर देखने गए ट्विंग, मोटरसाइकिल चला रहे ट्विंग, जैसे बिस्तर पे लेटे नींद आ रही, नींद आ रही, सो जाओ ट्विंग। होता है कभी? एवरीबॉडी इज गॉन थ्रू दिस। जैसे ही उठ के बाहर कुर्सी पे बैठे ट्विंग तुम 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 लेटे हाँ नींद आ रही। सो व्हाट आई एम सेइंग इज काम कीजिए, थोड़ा थोड़ा आनंद लीजिए, थोड़ा खूबसूरत चीजें देखिए। अगर विवाहित है तो अपनी को ही देखिए। अगर नहीं है तो थोड़ा अलाउड है। बुड़ के सो बेसिकली मैं आपको फिर वही बात बताता हूं जो मैं बताता आया हूं। अगर खुशी नहीं है तो कुछ नहीं यार। मुझे पता नहीं इस जिंदगी में प्रभु मुझे बंगला देगा कि नहीं, जरूर देगा, लेकिन मैं जब जाऊंगा तो लेके जाऊंगा इस कैंसर की ही, मैं लेके जाऊंगा राकेश के लड़के का ट्यूमर जो है वो हजारों लाखों लोग जिनके घर सुखी कर रहे हैं प्रभु ने थोड़ा सा मेरे द्वारा, वो कोई छीन नहीं सकता मेरे से, वो कम बात करता हूं तो कोई छीन नहीं सकता मेरे से। विंड पाइप, फूड पाइप नहीं थी पंजाब में,
उसकी फूड पाइप बनाई तो फूड पाइप A pastor testified, he came here from Punjab. So, yaar, I have a right to be happy. Samajh na? Abhisha bhi baar gayi hai. Abhisha is outside. Koi baat nahi, bulana. Maine bula nahi raha hoon. So, I have a right to be happy. Tell her, okay. Of course, she made sure I am happy. But, so toil and everything, keep a balance. To also see what God is doing, to hear from the Lord. The Lord is again talking with me a lot these days, and I'll keep sharing with you. Now God has revived that spirit of communication. And it drops in tuck, tuck, even at home. Even talking to Angad, I gave him a word of knowledge. It's very nice. So say, happiness is my right, in Christ. And nobody can take it away from me. चाहे मेरे घर में कोई बीमार है वो ठीक होगा मेरी बहनों की शादी नहीं हो रही उनके साथ अच्छा होगा मेरी हाइट थोड़ी कम रह गई सारे हीरो बटले मेरे पास अभी गाड़ी नहीं है आ जाएगी मैं मेरे पास अभी सेहत नहीं आ जाएगी बीवी नहीं आ जाएगी तो पता लगेगा बेटा स्पेशली लेडीज लाइक मोर व्हाट आई से समटाइम्स मैं डर जाते हैं प्रोवर्ब्स 21:5 नीति वचन उसका 21वां अध्याय उसकी 5वीं आयत कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है परंतु उतावली करने वाले को केवल घटती होती है Self-explanatory. अगर ये सब scriptures आप एक पेज पे लिखेंगे और उस पर आप मेडिटेट करेंगे तो आपको एक बहुत जबरदस्त बैलेंस दिखेगा वो बैलेंस लाइफ में लाइए काम में लाइए विवाह में लाइए बिजनेस में लाइए और खुश रहिए और कैसे All who are watching me, today I say, What I always say, God loves you and I love you too. Prabhu aapko pyar karta hai aur main bhi karta hoon. Thanks for joining in. Aapka dhanyavaad karta hoon. Aur judte rahiye mere saath aur ikatthe hum kuch na kuch seekhte rahenge. Aur wo testimonies bhi 2-3 hai aaj, wo dhyan se suniyega. Jo Prabhu ne kaar kiya hai, wo sari mahima main Prabhu Yesu ko deta hoon. Amen. Bye-bye.